और मणिपुर की घटना पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले 80 दिन से पूरे राज्य में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। कल कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिला कि आदिवासी महिला को लेकर जो बयान नहीं किया जा सकता है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि वो लोग बेशर्म हो गए हैं, जो बीजेपी में चले जाते हैं वो बेदाग हो जाते हैं। दिनों के बाद जब आज लोकसभा सत्र प्रारंभ हो रहा है तो देश के जो हमारी केंद्र सरकार है उसने अपनी चुप्पी तोड़ी, और चुप्पी भी कैसे तोड़ी है वो भी आप सब और पूरा दुनिया देख रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जहां आप देश को विश्व गुरु बनाने चले हैं, देश के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों और अपने देश में राज्यों के अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। कौन कौन लड़ेगा, कहां कहां लड़ेगा, किनके किनके साथ लड़ेगा, हम आप लड़ेंगे कि हम पड़ोसी के साथ लड़ेंगे कि अपने दोस्तों के साथ लड़ेंगे कि अपने रिश्तेदारों के साथ लड़ेंगे, ये बता पाना बहुत ही कठिन हो चला। कुल मिला जुला करके ये कहा जाए, इनके राजनीतिक बौद्धिक शब्दों को लोगों के सामने पेश करने से ऐसा मत समझिए वो बाघ है। जब समय आएगा वो भी पता चल जाएगा और सबकी ताकतें भी पता चल जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।